हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंद्रानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल NK ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा। बिफोर वी स्टार्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक फॉर टू वेरिएबल्स, वी विल रिवाइज सम टॉपिक्स विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 12th। क्लास 12th में आपने मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल पढ़ा हुआ है, तो वहां कुछ बेसिक चीजें हमने सीखी थी, जैसे एक्सट्रीम पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x and at any point x equal to x1 dy by dx equal to 0, then such point is known as extreme point or stationary point or critical point. इस एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट के मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए हमने कुछ कंडीशंस देखी थी। हम क्या करते थे, सबसे पहले दिए हुए फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख के एक्स की कुछ वैल्यूज हमें मिलती थी, जैसे कि एक्स इक्वल टू एक्स वन। ये पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट होता था। अब ये पॉइंट मैक्सिमा पॉइंट है या मिनिमा पॉइंट है, ये हम कैसे पता करते थे? इसके लिए हम फिर से दिए हुए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे, मींस हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते थे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब टेस्ट ये होता था कि यदि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, देन x इक्वल टू एक्स वन इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। If d2y by dx square is less than 0, then x equal to x1 is a point of maxima, and if d2y by dx square is equal to 0, then it is neither minima nor maxima. d2y by dx square equal to 0, then it is neither minima nor maxima. वहां पर हम एक चीज और पढ़ते थे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करते थे? सपोज x इक्वल टू एक्स वन इज अ पॉइंट वेयर dy by dx इज 0, d2y by dx square is also 0, but d3y by dx cube is not 0, then such a point x equal to x1 is known as point of inflection, जिसे हिंदी में आप नति परिवर्तन बिंदु कहते थे। तो ये कंप्लीट थ्योरी हम 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। वहां पर हम जो फंक्शन लेते थे y, वो वन वेरिएबल फंक्शन होता था, केवल x पर डिपेंड करता था। अब यहां हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स स्टडी करेंगे, मींस z कोई फंक्शन होगा जो कि x एंड y पर डिपेंड करेगा, उसके लिए किस तरह से मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट्स और किस तरह से मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यूज निकाली जाती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। सपोज u इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। u x और y दो वेरिएबल्स का एक फंक्शन है।
एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, ये दो पर्टिकुलर वैल्यूज हमारे पास एक्स और वाई की हैं, तो इस केस में पॉइंट हो जाता है ए कॉमा बी। अब अगर ये जो फंक्शन यू है ये एक्स और वाई की हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है एंड फाइनाइट है, इफ द फंक्शन u इक्वल टू एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एंड फाइनाइट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड y इन द नेबरहुड ऑफ a कॉमा बी, देन तो फंक्शन की जो ये वैल्यू है f ऑफ ए बी, कब तो ये मिनिमा वैल्यू होगी और कब ये मैक्सिमा वैल्यू होगी, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एट x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी, दैट इज फंक्शन एट a कॉमा बी, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड फाइनाइट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड y इन द नेबरहुड ऑफ a कॉमा बी, देन f of a b is a maxima value of the function if, condition लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वैसे भी explain कर देता हूं maxima का क्या मतलब होता है। maxima मतलब उच्चिष्ट, यानी कि सबसे ज्यादा। तो अगर ये फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है, मैक्सिमा वैल्यू है, तो इसका मतलब बाकी सारी वैल्यूज इससे छोटी होंगी। अगर बाकी सारी वैल्यूज इससे छोटी हैं तो हमने कंसिडर किया एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के, वेयर एच एंड के आर द स्मॉल वेरिएशंस इन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ए की वैल्यू को हमने थोड़ा सा चेंज किया है। अब चेंज मीन्स या तो हमने ए की वैल्यू को बढ़ाया है या घटाया है, पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा भी चेंज हो सकता है। सिमिलरली बी की वैल्यू को भी हमने थोड़ा सा चेंज किया है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज, या तो बी इंक्रीज हुआ है या नेगेटिव हुआ है, डिक्रीज हुआ है। मीन्स एच और के की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। तो फंक्शन की वैल्यू हो गई एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी, this difference should be negative. If this difference is negative, then we say that f of a b is a maxima value of the function. आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं, अगर f of a b maxima value है, means ये सबसे बड़ी value है, तो बाकी सभी values इससे छोटी होंगी। ये function की कोई दूसरी value है, ये value function की इस value से छोटी है, तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे, नेगेटिव आएगा डिफरेंस। तो बहुत इजीली ये चीज हमें समझ में आ सकती है कि एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी इज लेस देन जीरो। सिमिलरली एफ ऑफ ए बी इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन if f of a plus h comma b plus k minus f of a comma b is positive। पहले वाले डिस्कशन को अपोजिट कर देंगे, अगर f of a b मिनिमा वैल्यू है, मिनिमा मीन्स सबसे छोटी, अगर ये फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू है तो बाकी जितनी भी वैल्यूज होंगी इससे बड़ी होंगी। तो ये फंक्शन की वैल्यू है f of a plus h b plus k, ये एफ ऑफ ए बी से बड़ी है, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करेंगे डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया कि किस तरह से मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स डिफाइन किए जाते हैं। अभी हमने केवल मैक्सिमा एंड मिनिमा की डेफिनेशन समझी है, अब हम ये पता करेंगे कि अगर हमें टू वेरिएबल्स का कोई फंक्शन दिया जाए तो उसे किस तरह से टेस्ट करेंगे, किस पॉइंट पर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ये टेस्ट हम कैसे करेंगे, उस टेस्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द नेसेसरी कंडीशन
नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा. मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, उसके पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रीम पॉइंट. जैसा कि हमने वन वेरिएबल फंक्शन के लिए कहा था, x इक्वल टू एक्स वन इज एन एक्सट्रीम पॉइंट इफ एट x इक्वल टू एक्स वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो. मीन्स दिए गए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव अगर जीरो के इक्वल है तो ऐसा पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट कहलाता है. सिमिलरली अभी हमारे पास जो फंक्शन है u, ये है x और y दो वेरिएबल्स का फंक्शन. तो जब f x एंड y दोनों पर डिपेंड करेगा तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में भी निकाला जा सकता है एंड y के रिस्पेक्ट में भी निकाला जा सकता है. ऐसे डेरिवेटिव्स पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे. हम पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं. तो नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीम पॉइंट, सपोज u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड देयर इज अ पॉइंट x1 y1. दिस पॉइंट x1 y1 becomes an extreme point if del u upon del x at x1 comma y1 is 0. del u by del x means x ka, sorry, u ka x ke respect mein partial derivative 0 hona chahiye point x1 y1 par. And similarly del u upon del y at the point x1 y1 should be 0. u ka x ke respect mein partial derivative aur y ke respect mein partial derivative 0 hona chahiye diye gaye point x1 y1 par. If it is so, यदि ऐसा है तो x1 y1 कैसा पॉइंट होगा? एक्सट्रीम पॉइंट होगा. अब ये एक्सट्रीम पॉइंट या तो मिनिमा पॉइंट हो सकता है या मैक्सिमा पॉइंट हो सकता है. उसके लिए क्या टेस्ट है? उस टेस्ट को हम सफिशियंट कंडीशन नाम देंगे. तो यहां पर आपको तीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने होंगे, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, जिनके बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं. एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूं. अगर u फंक्शन है x एंड y का तो u का सेकेंड डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाला जा सकता है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. दिस इज डिनोटेड एज r. डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल y दिस इज s. एंड डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर दिस इज टी. ओके, सो बिफोर कंफर्मिंग द नेचर ऑफ पॉइंट एक्स वन वाई वन वेदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा वी हैव टू फाइंड दीज थ्री सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स. पॉइंट की नेचर पता करने से पहले हमें ये तीन सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने होंगे. डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जिसे हम r कहते हैं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई जिसे s कहते हैं और डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर जिसे t कहते हैं. इन तीनों को निकालने के बाद अब कंडीशन किस तरह से है? इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज पॉजिटिव, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड r is positive, then x1 y1 is a point of maxima. Sorry, minima. It is a point of minima. ये बिल्कुल first one variable function से मिलता जुलता है. वहां पर आप क्या कहते थे? वहां पर आप केवल second derivative निकालते थे d2 y by dx square. अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता था तो पॉइंट x इक्वल टू x1 को हम मिनिमा पॉइंट कहते थे. सिमिलरली यहां पर भी इफ r इज ग्रेटर देन 0 देन x1 y1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा. लेकिन उसके पहले एक कंडीशन जो सेटिस्फाई होना जरूरी है वो है rt माइनस s स्क्वायर इज पॉजिटिव. सेकेंड केस इज rt माइनस s स्क्वायर
इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहना जरूरी है, इसके पॉजिटिव होने के बाद ही हम आगे की बात करेंगे. एंड आर इज लेस देन जीरो, देन एक्स वन वाई वन इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. थर्ड केस आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू जीरो, देन केस इज डाउटफुल, मीन्स वी कैन नॉट डिसाइड, वी कैन नॉट डिसाइड द नेचर ऑफ द पॉइंट एंड हेयर वी नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन. लास्ट केस इज आर टी माइनस एस स्क्वायर इज नेगेटिव, हेयर ऑल्सो द पॉइंट इज नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा. सो आई एम राइटिंग आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन जीरो, इट इज नो मैक्सिमा नो मिनिमा. तो इस डिस्कशन से ये क्लियर है कि पॉइंट को मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए सबसे पहले आर टी माइनस एस स्क्वायर का पॉजिटिव होना जरूरी है. आर टी माइनस एस स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव. एक बार आर टी माइनस एस स्क्वायर हमने चेक कर लिया कि ये पॉजिटिव है, उसके बाद हम देखेंगे कि दिए गए पॉइंट एक्स वन वाई वन पर आर की वैल्यू कैसी है. अगर आर पॉजिटिव है तो दिया गया पॉइंट मिनिमा हो जाएगा, अगर आर नेगेटिव है तो दिया गया पॉइंट मैक्सिमा पॉइंट हो जाएगा. तो ये नेसेसरी एंड सफिशियंट टेस्ट्स हैं. अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि टू वेरिएबल फंक्शन के लिए किस तरह से मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट की नेचर डिसाइड होती है और फंक्शन की मैक्सिमा वैल्यू या मिनिमा वैल्यू कैसे निकाली जाती है. अब हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं जिससे इस टॉपिक को हम और इजीली समझ पाएंगे. एग्जांपल वन, डिटरमिन द पॉइंट वेयर द फंक्शन यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व हैज अ मिनिमा और मैक्सिमा. सो फंक्शन इज यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व. इस फंक्शन के लिए हमें वो पॉइंट पता करना है जहां फंक्शन की वैल्यू मिनिमा या मैक्सिमा होगी. सबसे पहले हम देख सकते हैं कि u x एंड y पर डिपेंड करता है. इट मींस ये जो फंक्शन है ये टू वेरिएबल फंक्शन है. तो एक्सट्रीम पॉइंट होने के लिए नेसेसरी कंडीशन डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू जीरो एंड डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू जीरो. u का x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा. पहले u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 2x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 3. एंड सिमिलरली इस फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 2y इक्वल टू जीरो, देयर फोर y इक्वल टू जीरो. तो इसका मतलब एक्सट्रीम पॉइंट क्या हो गया. एक्सट्रीम पॉइंट इज माइनस 3, 0. अब हमें यह चेक करना है कि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमा है या मैक्सिमा है. तो सबसे पहले डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यानी कि आर, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2. दिस इज ओनली 2. ये था आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव 2x प्लस 6. इसका दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो आपको 2 मिल गया जो कि पॉजिटिव है. फिर डेल टू यू अपॉन डेल x डेल y मींस आपने जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया हुआ है उसका फिर से y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे. ये क्वांटिटी s है जो कि 0 के इक्वल आ रही है. इजीली आप देख सकते हैं 2x प्लस 6, यहां y का कोई टर्म नहीं है इसलिए y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होगा. और फाइनली डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर मीन्स जो आपने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है 2y इक्वल टू जीरो, 2y डेरिवेटिव 2y था, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2. ये आपके t की वैल्यू है.
सो आर टी माइनस एस स्क्वायर आर टी टू इंटू टू फोर माइनस जीरो दैट इज फोर, आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव निकला है जबकि आर ऑलरेडी पॉजिटिव निकाल चुके हैं हम, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग देयर फोर माइनस थ्री कॉमा जीरो इज अ पॉइंट ऑफ, कैसा पॉइंट होगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव निकला है, पॉजिटिव इट मीन्स ये एक मिनिमा पॉइंट है। माइनस थ्री कॉमा जीरो इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, प्रूव दैट यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स वाई माइनस फाइव वाई स्क्वायर इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स वाई माइनस फाइव वाई स्क्वायर। एक्सट्रीम पॉइंट जानने के लिए हमने इसका डिफरेंशिएशन पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करके उसे जीरो के इक्वेट किया, तो हमें मिल जाएगा टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस एट वाई, दिस इज इक्वल टू जीरो। डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो मीन्स टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एट एक्स माइनस टेन वाई इक्वल टू जीरो। अब ये दो इक्वेशंस सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सॉल्व करके अलग अलग एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि प्रूव दिस फंक्शन इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो, हमें इस पॉइंट पर टेस्ट करना है। तो हम केवल इतना सा चेक कर लेंगे कि जीरो कॉमा जीरो एक्सट्रीम पॉइंट है या नहीं, पहले हम ये देखेंगे कि जीरो कॉमा जीरो एक्सट्रीम पॉइंट है या नहीं। अगर आप यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में एक्स एंड वाई की जगह जीरो पुट करेंगे तो जीरो जीरो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। सिंस ओरिजिन सेटिस्फाइज दीज इक्वेशंस इट मींस जीरो कॉमा जीरो इज एन एक्सट्रीम पॉइंट। ओके, अब हमें केवल ये देखना है कि जीरो कॉमा जीरो मैक्सिमा पॉइंट है या नहीं है। हेंस जीरो जीरो इज एन एक्सट्रीम पॉइंट। इन दोनों इक्वेशंस को जीरो जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए जीरो जीरो एक एक्सट्रीम पॉइंट है। अब आपको आगे का टेस्ट करना है। नाउ आर, आर मींस डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। आपने जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है इसी का दोबारा करेंगे, टू वाई स्क्वायर माइनस टेन। जब इसके अंदर पॉइंट रखेंगे, कौन सा पॉइंट, जीरो जीरो जो कि हमने एक्सट्रीम पॉइंट निकाला हुआ है, जब इसमें हम रखेंगे तो जीरो माइनस टेन दैट इज माइनस टेन, आर इक्वल टू माइनस टेन, ये नेगेटिव आ रहा है। अब आप s निकालेंगे, एस होता है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, जो आपने एक्स के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया हुआ है इसका वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा फोर एक्स वाई माइनस एट, फोर एक्स वाई माइनस एट। फिर जब इसमें ओरिजिन पुट करेंगे तो माइनस एट मिलेगा, और टी टी मीन्स डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसका वाई के रिस्पेक्ट में दोबारा करेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन, टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन, और जब यहां ओरिजिन पुट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस टेन। तो हमने आर एस टी तीनों की वैल्यू निकाल ली है और तीनों की वैल्यू ही नेगेटिव आई है। नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस टेन इंटू माइनस टेन दैट इज हंड्रेड माइनस एस स्क्वायर विल बी सिक्सटी फोर, सो फाइनली वी हैव थर्टी सिक्स दैट इज
पॉजिटिव। तो हमने देखा कि आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है, आर नेगेटिव है, तो जो हमने टेस्ट पढ़ा था उस टेस्ट की फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग दिस पॉइंट 0 0 इज मैक्सिमा, 0 0 मैक्सिमा है। क्यों है मैक्सिमा? बिकॉज आर की वैल्यू नेगेटिव है और आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है, हेंस 0.0 इज अ मैक्सिमा पॉइंट। तो ये भी आपका प्रूव हो गया।